हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी आर्ट बलून क्राफ्ट में। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बलून पंप की अनबॉक्सिंग। इसका मॉडल नंबर है ST508। बेसिकली जो बलून मशीन है वो दो टाइप की आती है। एक तो आती है गुलाबी मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं पिंक मशीन, और एक आती है ब्लू मशीन यानी कि नीली मशीन। जो पिंक मशीन है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इस मशीन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, और हम लेंगे लास्ट में इसका डिटेल डेमोस्ट्रेशन, और मैं आपको बताऊंगा कि ये मशीन खरीदने लायक है या फिर नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कुछ इस प्रकार के बॉक्स में आपको मिल जाती है बलून मशीन। यदि आप इस तरफ देखेंगे तो यहां पर दिए गए हैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन। चलिए अब हम खोल के देखते हैं क्या क्या आता है इस मशीन के साथ में। सबसे पहले यहाँ पर हमको मिल जाता है लीफलेट। इसमें बताया गया है कि मशीन को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। और फिर यह है फाइनली हमारी बलून मशीन। तो फ्रेंड्स, यह है हमारी ब्लू मशीन, जिसको हम लोग नीली मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन के स्पेसिफिकेशंस की। इस मशीन का पावर है 700 वॉट का, और इसके इनपुट वोल्ट की बात करें तो ये आती है 220 वोल्ट के साथ में। तो अब हम वेट कर लेते हैं हमारी इस बलून मशीन का। तो हमारी इस बलून मशीन का वेट है कुछ 1 किलो 300 ग्राम। तो फ्रेंड्स, इस मशीन का वेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यदि आप डेकोरेशन का काम करते हैं और आपको एक साइड से दूसरी साइड जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मशीन आपके बैग में बड़े आराम से आ जाएगी। इस मशीन का जो ग्रे और ब्लू कलर है वो इस मशीन को बनाता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन के फीचर्स की। सबसे पहले इस मशीन में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 रबर के पैड। इसका फायदा ये होता है कि जब आप बलून फुलाते हैं तो आपकी मशीन एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं खिसकती है, एक जगह पे स्टडी रहती है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 नोजल, जिससे आप बलून फुलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा और नोजल मिल जाते हैं, जिससे आप छोटे बलून फुला सकते हैं। मतलब इससे आप फुला सकते हैं 16 इंच और 24 इंच के बलून, और इससे आप फुला सकते हैं 5 इंच, 9 इंच या फिर 12 इंच के बलून्स। ये जो हमारे नोजल हैं ये यहाँ पे जस्ट पुशफिट होते हैं। इनको आप यहाँ पे ऐसे लगा देंगे तो ये पुशफिट हो जाएंगे, और यदि आपको यहाँ से निकाल के इनको यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं जिससे ये टाइट होते हैं। इसके बाद मशीन पकड़ने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अच्छी क्वालिटी का हैंडल। इस मशीन की खास बात यह है कि जब आप इस मशीन को देखेंगे तो कहीं से भी आपको तार नजर आते नहीं हैं। यह मशीन बहुत ज्यादा साफ सुथरी दिखती है। इसका जो वायर है वो यहां पे देके रखा है इसके कंपार्टमेंट के अंदर। जस्ट आप इसको पुश करेंगे तो यह आपका कंपार्टमेंट खुल जाएगा, और इसके अंदर है इसका वायर। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक अच्छी क्वालिटी का वायर, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वायर की लंबाई है पूरे 5.5 फिट। चलिए हम जरा इसको प्लग में लगा लेते हैं। उसके बाद इस मशीन की सबसे अच्छी बात यह है, यदि आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे और ऊपर की तरफ एयर वेंटिलेशन की जगह दी गई है, जिससे एयर वेंटिलेशन होता है और आपकी मशीन गर्म नहीं होती है, और आप इस मशीन से पूरे 2 घंटे तक काम ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देके रखा गया है इसका बटन, जिससे आप करते हैं इस मशीन को ऑपरेट। यदि आप इसको 0 की तरफ रख देंगे तो आपकी मशीन रहेगी ऑफ, और यदि आप इसको 1 नंबर की तरफ रख देंगे तो फिर आपकी मशीन कंटिन्यूस चलती रहेगी। फिर आप इस मशीन को 2nd नंबर पे रख देंगे, जहां पे आपको ये 2 डंडे नजर आ रहे हैं, तब ये मशीन आपकी बन जाएगी ऑटोमेटिक। कि जब आप इसका ये नोजल प्रेस करेंगे तभी मशीन चलेगी, नहीं तो ये मशीन नहीं चलेगी। इस मशीन को हम लोग इलेक्ट्रिक सेवर मशीन भी बोलते हैं। देखिए अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी मशीन चली। वापस से प्रेस करके दिखाता हूँ। तो इसका फायदा ये होता है, जब आप इसमें बलून लगाते हैं तभी ये मशीन ऑन होती है, और जैसे ही आप बलून निकाल लेते हैं तो ये मशीन ऑफ हो जाती है। कैसे ये काम करती है अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं इस मशीन का डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन से पहले जरा मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी आप इस मशीन को यूज करें तो कंटिन्यूअस मोड में यूज मत करिए, आप इसको ऑटोमेटिक मोड में यूज करिए। ऑटोमेटिक मोड में यूज करने से 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और दूसरा ये मशीन बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी।
तो चलिए अब जो इसके दो नोजल है हम यहां पे लगा लेते हैं। रीजन ये है कि अभी हम इससे फुला रहे हैं 9 इंच के बलून्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको ऑटोमेटिक मोड में यूज करिए, तो जैसे ही आप बलून यहां पे लगा के प्रेस करेंगे ये बलून अपने आप फूल जाएगा। बलून फूलने में ये मशीन लेती है 1.5 से 2 सेकंड। तो यहां पर आपका बलून फूल चुका है। ये मशीन 1 मिनट में 45 से लेकर 60 बलून फुला देती है। रीजन ये है कि आप इस मशीन में एक बार में 2 बलून फुलाते हैं। अब मैं यहां पे दो व्हाइट बलून ले रहा हूं, इन दोनों को एक साथ लगाऊंगा और एक साथ प्रेस करूंगा तो एक साथ में 2 बलून फूलेंगे। तो देखा आपने, ये मशीन एक बार में 2 बलून फुलाती है। और जो लोग प्रोफेशनली बलून डेकोरेशन करते हैं उनको मालूम होगा कि बलून की साइज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों बलून की बिल्कुल एक जैसी साइज है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यदि आप ऑटोमेटिक मोड में चलाते हैं तो मशीन आपकी गर्म भी नहीं होगी। फिर आप इस मशीन को कंटिन्यूअस 2 से 3 घंटा बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने इस मशीन का डेमोंस्ट्रेशन किया है और ये मशीन बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये मशीन होम पर्पस के लिए तो अच्छी है ही, मगर यदि आपका बलून डेकोरेशन का बिजनेस है तब फिर ये मशीन एकदम बेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मशीन मेड इन चाइना है। बहुत सारे लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं और अलग अलग नाम से इसको बेचते हैं। ये मशीन आपको अमेजोन पर कुछ 1400 से 1500 के बीच में मिल जाएगी। मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि बलून वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।